बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अली मलिक। नाज़रीन, आज मैं एक वाक़या पढ़ रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, उनके दौरे खिलाफत में एक खातून उनके पास आईं और आकर कहा कि उमर, हम तेरी इताअत तब तक नहीं करेंगे जब तक तू हमें इस बात का जवाब ना दे कि तेरे पास दो चादरें क्यों हैं और हमारे पास सिर्फ एक चादर। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मुझे मेरे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान याद आ गया। एक ऐसा मुल्क जिसकी काबीना में 92 वज़रा हैं, 92 वज़ीर, जो कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कैबिनेट से ज़्यादा हैं। नाज़रीन, वज़ीरों का हाल अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये तहरीरी तौर पर जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, इसके बाद ये उसके ऊपर क्या करते हैं। रोज़ाना बहुत से वाक़यात आप सुनते होंगे। पिछले दिनों एक वज़ीर ने 2 माह के अंदर 4,58,833 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। विद इन 2 मंथ्स 458,833 रुपीज़ की गैस अपनी गाड़ी में डलवाई। और एक और हमारे खूबसूरत वजीर ने 2 दिन का चाय का बिल 26,000 रुपया बना दिया। और नाज़रीन, ये उस मुल्क के वजीर हैं जिस मुल्क के एक आम शहरी पे, जिसकी सेहत पर सालाना यानी कि 12 माह में 194 रुपये खर्च किए जाते हैं। ये उस मुल्क के वजीर हैं नाज़रीन जिस मुल्क के एक आम शहरी पर सालाना, जिसकी तालीम पर 145 रुपये 145 रुपीज़ खर्च किए जाते हैं। नाज़रीन, ये उस मुल्क के वज़ीर हैं जिसकी आबादी के 2,11,00,000 नौजवान बेरोज़गार हैं। नाज़रीन, ये उस मुल्क के वज़ीर हैं जिस मुल्क में रोज़ाना 300 से ज़ायद अफराद गुरबत के हाथों खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन जहाँ की पुलिस दुनिया की बदतरीन पुलिस में से एक है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर थाने, कचहरियाँ, अदालतें, इम्तहानी मराकज़ बाकायदा तौर पर ख़रीदे और बेचे जाते हैं। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क है जहाँ की 50% आबादी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जुल्म का शिकार है। बात यहाँ पर यह है कि क्या अब हम इन मसाइल पर रोते रहें, इन मसाइल का जिक्र करते रहें, पिछले 60 साल जिस तरह ज़ाया किए, आने वाली भी नस्ल अपनी ज़ाया कर दें, यहाँ के कुछ आगे बढ़ें और अपनी इस कौम के लिए कुछ करें। जैसा कि शहजाद राणा ने भी कहा था अपने एक गाने में, उनका एक मुझे मिसरा बहुत ज़्यादा याद आता है कि मुझे फ़िक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ये है कि कहीं ये ऐसे ही ना चलता रहे। और हमें भी फ़िक्र ये है कि कहीं ये ऐसे ही ना चलता रहे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा जानदार टॉपिक है, इसी से रिलेट है कि व्हाट कैन यूथ डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, यूथ द होप ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और अपने तीनों मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और बाकायदा से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे जाने से पहले आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कैन यूथ डू फॉर द बेटरमेंट पाकिस्तान और यूथ द ओनली होप फॉर पाकिस्तान। थोड़ा सा मसाइल का जिक्र करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है, बीमारी जब तक पता ना हो तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमारे पैनल में हमने जिन मेहमानों को दावत दी है, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं ताहा अहमद साहब, पाकिस्तान से उन्होंने ग्रेजुएट किए हैं टेली कम्युनिकेशन में और यहाँ पर एक मकामी कंपनी में टेलीकॉम इंजीनियर है। मेरे दूसरे मेहमान हैं साद इमाम साहब, ये बिजनेस एंड फाइनेंस इनका मेजर है और ये भी आजकल भी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अहमद साहब, UIC से ग्रेजुएट हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मार्केट में। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया आपके आने का। पहला क्वेश्चन होता है आपसे शुरू करूँगा ताहा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या आप उसे मुतमईन हैं?
मुतमईन जब आप कहते हैं तो मुतमईन का मतलब है कि आई एम सैटिस्फाइड विद दिस दिस सिचुएशन, और सैटिस्फैक्शन मींस के वी हैव रीच्ड रीच्ड द परफेक्शन. सो आई वुड डेफिनेटली से के वी हैव नॉट रीच्ड परफेक्शन एंड वी स्टिल. क्या हम परफेक्शन के करीब भी हैं कि नहीं? देखिए जी, हम लोग बहुत दफ़ा अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं. हम लोगों को अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए. तो अगर आप अपने यू नो करंट नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो आप दहशतगर्दी, आपका एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है, और इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपका जुडिशरी सिस्टम जो है, दीज आर वन ऑफ द बिग नेगेटिव्स जो करेंटली पाकिस्तान के अंदर हैं. लेकिन Having said that, मैं positives को भी थोड़ा सॉरी अगर आप सिंपल लफ्ज में पूछूं आप मुतमईन हैं या नहीं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? डेफिनेटली हाँ या ना में, मतलब क्या जवाब देंगे आप? मैं कहूंगा कंडीशन के साथ नहीं, हाँ या ना में क्या जवाब देंगे? बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ. आप क्या मुतमईन हैं पाकिस्तान से? Absolutely not. Pakistan is facing a lot of issues right now. First being inflation is 27%, unemployment is on the rise, transportation issues, water, electricity. Corruptions. So regarding all these, there's so many problems that there's nothing going on in order to fix them. There is no possible. There is nothing that can be done. 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 As far as education, as well as غربت جو ہے اور آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے. دوسرا جو مین مسئلہ جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ کا اس وقت مسئلہ ہے جو ٹوٹل میرا میں نیکسٹ وہیں پر آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ کہنے کہ آپ کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہیں جو کہ مجھے ایکسپیکٹ میں کر رہا تھا کہ سب کا یہی جواب ہوگا, لیکن خیر ان کی اپنی اپنی اپینین ہے. گورنمنٹ جو ہے, جو آپ نے بھی بات کی جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, گورنمنٹ جو ہے اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ ہے اس وقت یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے یا صحیح سمت میں چل رہی ہے جہاں پہ چلنا چاہیے, یا کہ یہ بھی گورنمنٹ نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کون سی ایسی گورنمنٹ تھی جس سے آپ مطمئن ہیں؟ کوئی ایسی گورنمنٹ بتا دیں جس سے آپ مطمئن تھے, آپ اپنی ہوش میں جو تھے. مطلب اب آپ وہ ہسٹری کی بات نہ کریں تو بہتر ہے, اپنی ہوش میں 15-20 سال کی اگر ہم بات کریں, ریوائیو کریں, یا جو آپ نے جو بھی ہسٹری میں پڑھا اس کے بعد کیا کہیں. میرے حساب سے جب سے میں نے ہوش کیا کہ پاکستان میں دو ہی تو پارٹیز آئی ہیں, ایک پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ تھا, نواز شریف کی حکومت, دوسری یہ پیپلز پارٹی کی تھی. اور پچھلے